यहोवा के उस वचन के अनुसार जो उसने एलिया के द्वारा कहा था, न तो उस गड़े का मैदा चुका और न उस कुप्पी का तेल घटा। आपके कठिन परिस्थिति में आप सोचे प्रभु आप कुछ करते क्यों नहीं, प्रभु आप करते क्यों नहीं, कुछ करते क्यों नहीं, प्रभु परमेश्वर के दास को भेजता है वचन के साथ, नहीं प्रभु ये नहीं कुछ और दो। आप परमेश्वर के काम करने का तरीका आपको नहीं पता। आप लकड़ी ले रहे थे, थोड़ा मैदा और आपके और आपके बच्चे के लिए एक रोटी था, और आप दुआ कर रहे हैं कि प्रभु कुछ करिए हमारे लिए। प्रभु ने कहा मैं अपने दास को भेजूंगा वचन के साथ, और दास को देखा वचन के साथ, नहीं नहीं ये नहीं, थोड़ा खाना भेजिए, थोड़ा पैसा दे दो प्रभु। आप परमेश्वर के काम करने के तरीके को अपने समझ। आदि में क्या था, अभी जरा बोलिए, आदि में क्या था, सब कुछ वचन से बना है। मतलब हर एक चमत्कार की शुरुआत वचन है। मतलब जब आप परेशानी में हैं और उस परेशानी में आपको प्रभु एक दास को भेजता है जो आपको वचन बताता है, आपका चमत्कार आने पर है यीशु के नाम से। ग्लोरी टू गॉड, वो परमेश्वर का हाथ है। दैट इज हाउ गॉड वर्क्स। हम क्या सोच रहे हैं, हम तुरंत सॉल्यूशन चाहते हैं।